हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वे ऑफ लिविंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे सभी पसंद करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये डेजर्ट आप किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं। वैसे तो इसे लोग होली पे बनाते हैं, लेकिन आपका जब भी खाने का मन करे आप इसे बना सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। चंद्रकला बनाने के लिए हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून घी लिया है। अब इसमें हम 1/2 बोल सूजी ऐड करेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। हमें इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगी। सूजी को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। सूजी हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 1/2 kg मावा लेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मावे को हमें कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, नहीं तो मावा नीचे से जल जाएगा। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है। मावा हमारे अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम चाशनी प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में 2 बोल शुगर लिया है और इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। हमें चाशनी को स्टिर करते रहना है जब तक कि चीनी हमारी इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती। चीनी हमारी घुल गई है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। जब चाशनी हमारी थोड़ी थिक हो जाएगी, मतलब एक तार इसमें बनने लगेगा, तब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। चाशनी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चंद्रकला के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। हम एक बोल लेंगे और उसमें रोस्ट किया हुआ मावा और सूजी को ऐड करेंगे। हम इसमें 1 बोल पाउडर शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। चिरौंजी और चॉप्ड की हुई किशमिश ऐड करेंगे। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम एक परात में 1.5 बोल मैदा लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारे इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी, तब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक हार्ड डो प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डो हमारा रेडी है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इसकी रोटी के आकार की छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे और 1 लोई लेकर उसे रोटी के शेप में बेल लेंगे। हमें इसे न ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। अब हम इसे एक ग्लास या कटोरी की सहायता से इसे कट कर लेंगे। पूड़ियाँ अगर मोटी हो तो इसे हम हल्का सा बेलन से बढ़ा लेंगे। अब हम 2 पूड़ियाँ लेंगे और 1 पूड़ी नीचे रखेंगे और उसके चारों तरफ हम स्लरी लगाएंगे और इसमें फिलिंग 1 टीस्पून फिलिंग ऐड करेंगे और उसके ऊपर दूसरी पूड़ी रखकर हम उसको चिपका देंगे।
हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से चिपका देना है, नहीं तो इसे फ्राई करते समय फिलिंग हमारी बाहर आ जाएगी। अब हम इसे हाथ से चारों ओर से गोंठ देंगे, डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहे तो इसे मशीन से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। चंद्रकला हाथ से गोंठने का मज़ा ही अलग है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे ही हम बाकी के चंद्रकला बना लेंगे। हमने सारे चंद्रकला तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने पैन में आधा लीटर के करीब घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी किसी भी चीज़ में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके चंद्रकला ऐड करेंगे। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे और इसे चारों तरफ से हमें गोल्डन कलर का फ्राई होने तक भूनना है। चंद्रकला हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे और स्पून से इसके ऊपर चाशनी ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी के चंद्रकला भी प्रिपेयर कर लेंगे। दस से पंद्रह मिनट चाशनी में पड़े रहने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। चंद्रकला हमारा रेडी है। हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इसे चॉप्ड किए हुए पिस्ते और आलमंड से हम इसे गार्निश करेंगे। चंद्रकला हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस बार आप भी जब आपके घर में मेहमान आए तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जब भी आपका घर में खाने का मन करे तो इसे आप अपने लिए भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।